अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य संजय अवस्थी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया गया, मैं उस बजट के अवलोकन के लिए अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आंकड़े बहुत प्रस्तुत किए गए, शेरो शायरी भी हुई। आंकड़ों पे मुझसे पूर्व मेरे वरिष्ठ सदस्य श्री हर्षवर्धन जी ने प्रकाश डाला, कमियां उजागर करी, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। बजट दस्तावेज में शुरुआत जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई, जन आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए प्रगति की अभूतपूर्व गाथा लिखी है। इस अभूतपूर्व गाथा को जानने के लिए बजट दस्तावेज को मैंने खंगाला और जिस तरह से कई गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए, मैं उन्हीं पे प्रकाश डालना चाहूंगा। अभूतपूर्व गाथा लिखी, अपनी बात को की शुरुआत उन्होंने कोरोना महामारी काल को लेकर करी। सही है कि इस कोरोना महामारी काल, ये जो प्राकृतिक आपदा इस तरह की आती है, वो हमारी सामूहिक जिम्मेवारी, हमारा सामूहिक दायित्व तो बनता है कि हम उससे निपटें। और आपकी सरकार है, सरकार का दायित्व तो था कि जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो समय के अनुसार चाहिए थी उसको वो पूरा करें। आपने वेंटिलेटर की बात करी कि पूर्व में गैस कंसंट्रेटर कितने थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितने थे, वेंटिलेटर कितने थे, वो आंकड़े दर्शित किए और वो कंपैरिजन किया। मैं ये समझता हूं कि जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक चैप्टर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे, वो यहां भी अप्लाई होता है। जब डिमांड उत्पन्न होती है तो सप्लाई की जाती है। परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपकी सरकार के समय में उन सुविधाओं को के सृजन के लिए जो है आपको प्रयास करने थे, इसका बजट में उल्लेख किया गया, इसलिए मैंने इस पे बात करी। और 500 डॉक्टर्स की नियुक्ति की बात करी, मगर ये नहीं लिखा कि इसमें ये सारे हिमाचल प्रदेश के ही हमारे जो पढ़ लिख के एमबीबीएस करके एमडी करके जो डॉक्टर्स लगेंगे उन्हीं को रखा गया। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और जलंधर में उन्होंने मंच से, सार्वजनिक मंच से यह घोषणा की थी कि आप हिमाचल आइए, मैं आपको हिमाचल में नौकरियां दूंगा, पंजाब में की थी, इसलिए मैंने यह प्रश्न यहां पर लगाया, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। आज बिजली के बिल को लेकर माननीय नरेंद्र ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई, ने उल्लेख किया कि बिजली मुफ्त कुछ यूनिट तक और उसके बाद ये प्रति रेट जो तय किया गया, ये सुविधा दी गई और राशि कितनी स्वीकृत की गई, 500 करोड़ रुपया, ये बजट दस्तावेज में जो है इसका प्रावधान किया गया। यही राशि 500 करोड़ रुपया ही पिछले वित्तीय वर्ष में भी थी। तो सुविधा तो मैं समझता नहीं कि कहां मिली है, आंकड़ों का हेर फेर है। मैं क्योंकि जो बजट, ये जो बजट दस्तावेज है, ये बजट पेश करने का जो दिन होता है, पूरे प्रदेश के लोग बड़ी टकटकी लगाए, बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से इस दिन का इंतजार करते हैं। और जब ये बजट पेश किया गया और जिन बातों को लेकर बिजली की बात करूं, क्योंकि हर बजट को अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, हर एक जो यहां पर मेरे माननीय सदस्य बैठे हैं अपनी विधानसभा से जोड़कर उसको देखेंगे, लिंक करेंगे। तो अर्की विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं कि आज मेरा अधिकतर विधानसभा क्षेत्र जो है लो वोल्टेज से जूझ रहा है,
पुराने जो ट्रांसफार्मर्स लगे थे उनको अपडेट नहीं किया गया है, खंभों को बदलने की बात भी इसका उल्लेख किया गया है, खंभे नहीं बदले गए हैं। चमाकड़ी पुल में 132 केवी का जो पुराना स्टेशन जो लगा था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उसको अपग्रेड नहीं किया गया, जिससे कि लगभग 30 पंचायतें जो प्रभावित होती हैं। आज दो दो सीमेंट उद्योग वहां पर स्थापित हैं, पावर कट की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये किसका दायित्व है? मैं कैसे इस बजट का समर्थन कर सकता हूं? आज आपने इसमें ये जो चर्चा की है नाबार्ड से जो पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजना के लिए 150 करोड़ की बात करी आप, ये मुझे याद है कि 80 करोड़ रुपए जब ये शुरू किया था, 80 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है निवर्तमान सरकार में किया गया था, माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इन 5 सालों में 70 करोड़ रुपए की राशि आपने बढ़ाई। आप 200 करोड़ इसको कर देते तब भी इसका कोई फायदा विधायकों को नहीं था, लोगों को नहीं था, क्योंकि 5-5 वर्ष में डीपीआर नहीं बनती। जब डीपीआर ही नहीं बनेगी तो यह धन कहां से इसका उपयोग होगा? आज इस पे यह चर्चा होनी चाहिए थी, इसका उल्लेख होना चाहिए था कि डीपीआर बनाने का समय निर्धारण होना चाहिए था, समय निर्धारित करना चाहिए था, ताकि उसका जो ये जो राशि है ये डीपीआर बनती है, विधायक के लिए नहीं बनती है, ये लोगों के लिए बनती है, ये भी इसका कहीं उल्लेख नहीं है। रोपवे परियोजनाओं को शामिल करने की बात कही है विधायक प्राधिकरण ने। मुझे याद है स्मार्ट सिटी 2015 में जो शिमला को जो बजट का प्रावधान किया गया था 2905 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था शायद, और उसमें रोपवेज का भी एक हेड था, लेकिन अभी तक रोपवेज नहीं बना, जबकि बजटेड था वो, जिसके लिए पैसा पहले आ गया। और हमारी सरकार कितनी गंभीर है विकास के प्रति कि जिसका पैसा आ चुका है, सिर्फ आपको डीपीआर बनानी है, आपको निविदाएं आमंत्रित करनी है और रोपवे बनाना है, लेकिन इतने आज 7 साल हो गए रोपवे नहीं बना है। आज सीमेंट उद्योग यहां पर स्थापित है, प्राकृतिक जो स्रोत है हमारे उनका दोहन हो रहा है, पर्यावरण और पोल्यूशन को जो हमारे स्थानीय लोगों को सहना पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन साथ लगते जो राज्य हैं उनसे महंगा सीमेंट हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। मैं ये मांग करता हूं इस सदन के माध्यम से कि वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट के जो रेट कम होने चाहिए, और अर्की विधानसभा क्षेत्र क्योंकि वहां पर 2 सीमेंट उद्योग स्थापित हैं, सबसे अधिक जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका दोहन हुआ है और पोल्यूशन भी सबसे ज्यादा हमारे लोगों को सहना पड़ रहा है। मैं ये मांग करता हूं कि हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए यदि उनको मकान बनाना है और कहीं पर भी उनको सीमेंट का उपयोग करना है, वो सब्सिडाइज रेट पे जो है उनको मुहैया कराया जाए सीमेंट। ये आज मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्राकृतिक खेती की बात करी है, मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा, आजादी से पहले भी अधिकतर प्राकृतिक खेती हुआ करती थी, 40 करोड़ जनसंख्या थी उस समय आजादी से पहले, आज 130 करोड़ जनसंख्या है और प्राकृतिक खेती कमर्शियली वायबल नहीं है। आज हमें इसका मिश्रण करके जो है ऐसी योजना बनानी है ताकि हम अपने लोगों को फीड कर सके। अगर हम प्राकृतिक खेती पर ही निर्भर करेंगे तो हम अपने लोग 130 करोड़ लोगों को नहीं फीड कर सकते, इस बारे में भी कहीं पर उल्लेख नहीं है। आज जिस तरह से पहली बार आपने उल्लेख किया, पहली बार कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों को निश्चित शोध ग्रांट देने की घोषणा करी है, बड़े दुख का विषय, करोड़ों रुपए की राशि जो है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री जो, और या फिर चाहे पालमपुर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और साइंटिस्ट हैं उनको जाती है, किस चीज की शोध की बात कर रहे हैं आप? क्लोनल जो हमारा रूट स्टॉक है वो विदेश से आयात कर रहे हैं, वो अभी तक आप डेवलप नहीं कर सके, आप किस बागवानी की हमारी विकसित करने की बात करते हैं? प्लांट्स आप विदेश से मंगवा रहे हैं, किस आप विकास की बात करते हैं? आज आपने फ्रूट बाउल हिमाचल प्रदेश को आज संज्ञा दी है, हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है, हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसको फ्रूट बाउल बनाने की जरूरत है।
आज हमारे स्टोन फ्रूट्स जो पहले अच्छी तादाद में हुआ करते थे, चाहे वो आड़ू की बात करें, प्लम की बात करें या एप्रिकॉट की बात करें, आज वो उसका उत्पादन कम हुआ है। क्यों हुआ है, इसको जानने की कोशिश नहीं की गई, इस बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। सब्जी मंडियों को लेकर बात करी, सब्जी मंडियों की बात मैं ये कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि मेरे क्षेत्र में डमलाना घाटी में 2 वर्ष पूर्व जो है सब्जी मंडी स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज 2 वर्ष हो गए वो सब्जी मंडी वहां पर नहीं बनी है। हमारे जो वहां पर किसान हैं, उन लोगों को लुधियाना, चंडीगढ़ या सोलन जाना पड़ता है, वहां उनका शोषण होता है। अक्सर अखबार में पढ़ते हैं कि आज फलाना आड़ती ने उस जगह वहां पर किसानों के पैसे मार के भाग गया। आज हमें जरूरत थी इस बजट को किस तरह से इसका समर्थन कर सकता हूं। आज खिलाड़ियों के लिए कोई नीति नहीं है, खिलाड़ियों के जो खेल कूद के लिए, खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। आज 70% राशि जो है हमारे फिक्स लाइबिलिटीज पे दिखाई गई है, 23% डेवलपमेंट पे, तो 23% डेवलपमेंट के लिए हम किस डेवलपमेंट की बात करते हैं इतने बड़े प्रदेश में, हमें इस बारे में कहीं पर उल्लेख नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की गई है, आज 544 गांव ऐसे हैं जहां पर सिग्नल नहीं है, सिग्नल की प्रॉब्लम है। नई शिक्षा नीति के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और वो कहां से उनको शिक्षा प्राप्त होगी जब वहां पर सिग्नल ही नहीं है। आपने इस बारे में कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। आज जिस तरह से मनरेगा का जो केंद्र सरकार ने 25.5% बजट कट लगाया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसकी पूर्ति कैसे होगी उसका कहीं उल्लेख नहीं है। आज मनरेगा जो एक महत्वाकांक्षी योजना पूर्व में जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, आज उसका बजट कट हुआ। पुरानी जो पेमेंट्स आज तक नहीं मिल रही है, एक एक साल से पेमेंट्स नहीं मिल रही है, सीमेंट नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में कहीं पर उल्लेख नहीं है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसमें गलत प्रस्तुत की गई हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में लोभावने वादे देकर, शेरो शायरी कर जो है अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास सरकार ने किया है, और लेकिन सरकार अब जो जनता जो है जाग चुकी है, और बहुत जल्द ही जो है आपके सामने आपका जो किया आना चाहिए। अभी जिस तरह से यहाँ माहौल क्रिएट किया गया, नरेंद्र ठाकुर जी ने जिसकी संज्ञा दी मछली बाजार की, बिल्कुल सही कहा, मेरा भी ये प्रथम अनुभव है। मैंने भी ये कल्पना की थी कि एक ऐसा सदन में मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है जाने का, कुछ सीख कर जाऊंगा, लेकिन ऐसी शिक्षा मैं नहीं सीख कर जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक डेकोरम बनाने के लिए जो सदन की गरिमा किस तरह बनी रहे, इसके बारे में जो हमें सोचना है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि है क्या जरूरी हमेशा कमान हाथ में हो, है क्या जरूरी, ठाकुर साहब सुनिए, आपके लिए कह रहा हूं, है क्या जरूरी हमेशा कमान हाथ में हो, कभी खुद भी निशाने पे आना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया। जय हिंद, जय हिमाचल।